संजय दोनों ओर की जो सेनाएं संसुसज्जित हो चुकी है उसमें वहां का क्या हाल है, और वो हालचाल तो जो पूछते हैं, लेकिन उसके बाद जो संक्रांत होता है युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण पांच जन्म बजाते हैं और अलग अलग पीर अलग अलग संघों का संक्रांत करते हैं। वैसा संक्रांत इस बरखेली देश से भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए। पांच जन्म ऋषि कैसे देवदत्त धनंजया प्रांतमो महासंघम भीम कर्मा वकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला से देवश सुभाष मणि पुष्पको। जब इन संघों का संक्रांत होता है तो क्या होता है मित्रों, साधो सो राष्ट्र राष्ट्र नाम हृदय आनी विदार्य नमस् पृथ्वी चेव तुमलु भाइनो नादयन। और ये संघों के संक्रांत से जो धृतराष्ट्र की सेना है कौरवों की सेना है उसके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और ऐसा भारत मां का जय घोष यहाँ से होना चाहिए। और उसके बाद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। अब मैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने 900 करोड़ जनता को आशा की किरण दिखाई और 28 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले ऐसे जैसे 4 मध्य प्रदेश बनवाए, ऐसे बड़े राज्य में सुशासन और कानून का राज स्थापित किया, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश महंत योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हम सबको संबोधित करें भारत माता की, भारत माता की, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, अंजनी मैया की, अंजनी मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री केदार सिंह मंडोई जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और यहां के कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए विशेष रूप से यहां पर उपस्थित श्री जेपीएस राठौर जी, पूर्व विधायक श्री भक्तपाल सिंह राठौर जी, बरखेड़ी देव पंडा जी श्री दशरथ सिंह गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नौरंग गुर्जर जी, शैलेंद्र शर्मा जी, गोपाल सिंह मीणा जी, गोविंद राम गुर्जर जी, रामसमल गुप्ता जी, पर्वत सिंह पटेल जी, भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, दीपावली के उपरांत आज भैया दूज का पावन पर्व है और मुझे बताया गया कि आज रात्रि में यहां पर जागरण और यहां के भंडारा कार्यक्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आएंगे। आप सबको मैं भैया दूज की हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला
और 5 दिवसीय दीपावली का यह पर्व अद्भुत है। आपने दीपावली के अवसर पर अयोध्या का दीपोत्सव देखा। देखिए दीपोत्सव का प्रभाव क्या होता है और पर्व त्योहार कैसे जोड़ने का काम करते हैं, दुनिया को भारत से सीखना चाहिए, जहां पे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्र होकर के अपनी परंपरा और अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने त्योहारों को मनाते हैं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय दिवस भी है। प्रातःकाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में जाकर के भारत माता के अमर सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धानत होकर के उनकी जन्मभूमि में जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और ये प्रधानमंत्री जी का ही की देन है कि 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में देश के अंदर मनाया जाने लग गया। आज जनजातीय दिवस भी है। मैं जनजातीय दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हम लोग यहां पर हैं, ये भोपाल संभाग का पार्ट है। विधानसभा के इस क्षेत्र में कितना सुहावना वातावरण है, कितनी शांति है, कितना शुद्ध पर्यावरण है। हमारा ग्रामीण समाज, हमारा वनवासी समाज, हमारा जनजातीय समाज प्राचीन काल से ही प्रकृति और परमात्मा का उपासक रहा है। अब देखिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, दम घोटू वातावरण, अनेक उद्योग उनको बंद करने पड़े, गैस जहरीली हवा जहरीली हो गई है, उससे बचाव करने के लिए वहां अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, यहां पे सिद्ध बाबा रामदेव जी की सानिध्य में, भगवान देव नारायण के सानिध्य में, भगवान गोरक्षनाथ के सानिध्य में और यहां पे अंजनी माई के सानिध्य में आप सबको इस क्षेत्र में इन आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसका आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस आयोजन के बहाने चुनाव की इस प्रक्रिया के दौरान आप सबसे संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि मोदी जी तब से प्रधानमंत्री बने, देश की तकदीर बदली है, भारत एक नए ओज के साथ, एक नए तेज के साथ आगे बढ़ा है। कितनी तेजी के साथ भारत बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के हर संकट के समय भारत को संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। भारत की सीमाएं आज के दिन पर पूरी तरह सुरक्षित हैं और यही नहीं, अब भारत ने इतनी ताकत भी पैदा कर दी है, कोई दुश्मन अगर टेढ़ी निगाहों से देखेगा उसकी आंखों को निकाल करके उसके पास वापस कर देगा। अब भारत को कोई दुश्मन की तरह टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। और भारत ही नहीं, अब तो भारत के नेतृत्व ने यह भी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, हम समस्या नहीं समाधान पे विश्वास करते हैं। समाधान, समाधान कैसे? कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। आतंकवाद की जड़ थी कश्मीर की धारा 370,
धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने समस्या दी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देना है, मोदी जी ने आते ही राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप कभी जाइए, आज से 6 वर्ष पहले भाइयों बहनों वहां 5 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, लेकिन आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ भी जाएगा ना तो वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन आराम से कर लेगा। एक नए धाम के रूप में भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ का धाम, महाकाल का महालोक की अनुभूति ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। भाइयों बहनों आज देश के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसें तेजी के साथ इसका प्रचार हो रहा है। एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ करके हर व्यक्ति को उत्तम आरोग्यता के लिए अच्छे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इनकी स्थापना हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों एक तरफ विकास के बड़े कार्य, दूसरी तरफ वेलफेयर की स्कीम। आखिर कांग्रेस ने 55-60 वर्षों तक देश में शासन किया, मध्य प्रदेश में शासन किया, आखिर हर गरीब के घर में शौचालय क्यों नहीं बन पाए, हर गरीब को आवास की सुविधा क्यों नहीं मिल पाई, हर गरीब के घर में बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाई, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दे पाई, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन क्यों नहीं दे पाई। कारण साफ था, कांग्रेस के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, वनवासी, गिरवासी, ये कांग्रेस के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। कांग्रेस तो कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही कहती थी ना, इसलिए देश में जो कुछ होता था वो तुष्टिकरण करती थी। मोदी जी ने आने के बाद क्या किया, कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, वंचित का है, दलित का है, गरीबों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है, और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। क्या नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की अवधारणा है, जहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेद नहीं। और भला मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ का भारत ही परिवार है, और मोदी जी इस विजन के साथ कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मोदी जी के साथ इसमें सहभागी न बन रहा हो। और भाइयों बहनों इसी के लिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 20 वर्ष में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की। मध्य प्रदेश देश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बना, विकास की दर को बढ़ाने में मध्य प्रदेश सफल हुआ, माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल हुआ, विकास की नई नई योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करने में सफल हुआ। और इसलिए भाइयों बहनों पिछले 9 वर्ष में एक गति और तेज हुई है,
कांग्रेस के बीच के कालखंड को जो केवल वादा खिलाफी का कालखंड था, क्योंकि कांग्रेस बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देती है, लेकिन भाइयों बहनों कांग्रेस करती नहीं है और करने में उसकी रुचि भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा केवल भाषणों से उलझाने का काम किया। आज तो मुझे यहां देख करके, यहां पे पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी और अब तो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र भी आपके सामने है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लाडली बहनों को 1250 रुपए के साथ साथ मकान भी दिया जाएगा, लाडली बहनों को मिलेगा मकान और 3100 रुपया देंगे किसानों का धान का दाम। भाइयों बहनों ये होती है सरकार, ये होती है सरकार जो कहा सो करके दिखाया। आप मुझे बताइए कोरोना कालखंड में किसी कांग्रेसी नेता के दर्शन होते थे क्या? कोई नहीं आता था भाइयों बहनों, कोई नहीं आता था। देखिए डबल इंजन की सरकार थी तो भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार के कारण क्या हुआ? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी। पहली बार हुआ जब किसी महामारी के लिए मात्र 9 महीने में मोदी जी ने वैक्सीन बनवा दी, और वैक्सीन ही नहीं 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन गरीबों को दिया ही जा रहा, आगे 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। भैया बहनों अगर कांग्रेस होती तो वैक्सीन नहीं आ पाता, और अगर वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज कर भी देते तो ये कहीं और जगह बिक गया होता, गरीब को नहीं मिलता, सामान्य नागरिकों को नहीं मिलता। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया, बड़े बड़े विकास के कार्यों को लेकर के आई, सुशासन और सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया और आपकी आस्था का भी सम्मान किया। आप मुझे बताइए क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? क्या बना पाते? और हमने तो कहा था ना कि मंदिर राम लला हम आएंगे मंदिर। फिर कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये लोग केवल नारा लगाते हैं, हमने कहा राम लला हम आएंगे ढांचा भी हटाएंगे, हमारे का ढांचा हटा था ना, फिर हम लोगों ने जोड़ा था राम लला हम आएंगे ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, वे कहते थे तिथि भी बताइए, हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों आज मैं आपको तिथि बताने के लिए आया हूं, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सब लोग खुश हैं ना? और इसीलिए मैं आया हूं भाइयों बहनों, वैश्या विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने श्री विष्णु खत्री को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच फिर से भेजा। आपने 2 बार आशीर्वाद दिया, तीसरी बार भी आशीर्वाद दीजिए जिससे आपको लेकर के ये 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंच सके। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं सभी लोग? अयोध्या जाने वाले लोग कितने लोग हैं जो अयोध्या जाने में रुचि रखते हैं? मैं विष्णु जी के सामने इसलिए खड़ा कर रहा हूं आप लोगों को जिससे वे भी पहचान सके आप लोगों को, और इसलिए भारी बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए आया हूं यहां पे।
सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर विनय विजयी बनाएंगे। अब केवल एक दिन का समय है, आज सायंकाल प्रचार बंद होने जा रहा है कुछ ही देर में। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, कल का दिन मात्र है, परसों चुनाव होना है प्रातःकाल से। श्री विष्णु खत्री को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए, कमल फिर से कमल खिलाने के लिए और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए चुनाव जिता करके भेजेंगे ना, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय।